साथियों, सिम कार्ड जो है मैंने ले ली है और सिम कार्ड मुझे मिली है 990 में, यानी कि 399 का जो है सिम है और 500 कुछ का उसमें जो है 45। पहला दिन है और ढाका में बांग्लादेश का, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ढाका क्यों पड़ा है। एक जगह मैं आपको लेके चल रहा हूँ, उसी की वजह से इसका नाम ढाका पड़ा है। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि वो एक हिंदू मोनूमेंट है, यानी कि हिंदू से, हिंदुस्तान से रिलेटेड, हिंदुओं से रिलेटेड वो जगह है, जिसकी वजह से यहाँ का नाम ढाका पड़ा है। यहाँ सड़क पे आपको गाड़ियों से ज़्यादा रिक्शे दिखाई देंगे, जितनी गाड़ी नहीं मिलेगी जितने रिक्शे मिलेंगे। और जो मर्जी जहाँ मर्जी से घुस जाएगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानता है। ये है मेन गेट ढाकेश्वरी टेम्पल, ये मेन गेट है ढाकेश्वरी टेम्पल का। और इसका गेट जो है वो है उधर से बाहर। सब ये है पहली झलक, बांग्लादेश ढाका को कुछ भी सर्च करोगे तो ये मेरे पीछे वाली ये जो है गुम्बद, ये आपको नज़र आएगी। फ्लाइट वगैरह कुछ भी करोगे ढाका बांग्लादेश, तो सबसे पहले आपको यही नज़र आएगी। और इसकी जो थोड़ी बहुत जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत ही जो है देखने लायक और सुनने लायक हिस्ट्री है। जो थोड़ी बहुत मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये मंदिर जो है ये 800 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर जो है 800 साल पहले जो सेन राजवंश जो था, यानी कि सेन एम्पायर जो थे, उनके जो एक राजा थे बल्लाल, उन बल्लाल सेन, उन्होंने जो है ये मंदिर, ऐसा कहते हैं, बनाया गया था 800 साल पहले। और जो है ये जो शक्तिपीठ जो है, जो 51 शक्तिपीठ जो है उसमें से एक माना जाता है। जब बंटवारा नहीं हुआ था आज़ादी से पहले तो ये जो है भारत में ही आता था, उसके बाद बंटवारा हुआ तो ये जो पूरा बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बना और बाकी का वो पाकिस्तान बना। और इसको जो है बांग्लादेश के अंदर जो है बहुत मान्यता है, इस ढाकेश्वरी जो टेम्पल है, ढाकेश्वरी देवी इसको बोला जाता है। और मेन जो है कहा जाता है कि जो ढाका का नाम, बांग्लादेश की जो सिटी जो है ढाका जो है, वो ढाकेश्वरी देवी जो है उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। ढाकेश्वरी यानी कि ढाका की देवी, तो उसी नाम पर इसका नाम पड़ा है ऐसा बताया जाता है। दूसरा जो है इसको मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, ये कई बार जो है ये मंदिर टूटा है, कई बार क्षतिग्रस्त हुआ है, कई बार इसको नुकसान पहुँचा। सबसे मेन चीज़ मैं बता दूँ, 1971 में जिस समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब लड़ाई हो रही थी जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस दौरान भी यहाँ पर जो है काफ़ी जो है इसको मंदिर को तोड़ा गया था, क्षतिग्रस्त किया गया था और यहाँ पर अपना बेस बना लिया था पाकिस्तान ने। अपने जो पाकिस्तान का जो गोला बारूद जो है वो यहीं पर जो है इसको पे मंदिर पे कब्जा करके यहीं पर उन्होंने उसका बेस बनाया था। गोला बारूद जो है वो यहीं से सप्लाई हो रहा था। 71 की लड़ाई के बाद 1988 में जो है बांग्लादेश में इस्लाम को राज के धर्म घोषित किया गया, यानी कि कह सकते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया गया। उस समय जो यहाँ के हिंदू जो थे उन्होंने बहुत ही जो है मांग करी, आंदोलन करा कि हमको जो है हमारा जो मंदिर जो है उसको
उसको भी जो है राजकीय वो घोषित किया जाए, तो तभी से जो है इसको जो है एक तरह से बांग्लादेश की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है। और 1988 में ही जो है इसका नाम राष्ट्रीय ढाकेश्वरी मंदिर रखा गया, यानी कि पहले जो ढाकेश्वर था अब इसका नाम जो है वो राष्ट्रीय ढाकेश्वरी है, जो राष्ट्रीय एक तरह से देश की धरोहर आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको जो है पहचान जो है सरकार ने दे दी है। उसके बाद भी जो है ये क्षतिग्रस्त हुआ 1989 और 90 के दौरान, बताया जाता है कि जिस समय यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो है दंगे हुए थे उस समय भी इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था, और काफ़ी मतलब कई बार बताया गया है कि कई बार इसको नुकसान पहुँचा है और कई बार इसको रिनोवेशन हुआ है। अभी भी जो है इसमें रंग पेंट चल रहे हैं, और आप देखोगे नई बिल्डिंग जो है ये भी बाद में बनाई गई है, उधर आगे वाली जो है ये बनाई गई है। और वेट कर रहा था बाहर, मैं चले गया था वेट कर रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, वापसी आ गया क्योंकि मंदिर के दर्शन मैं नहीं कर पाया था, तो मैं वापसी आया। और आखिरकार मुझे जो है मंदिर खुला हुआ मिल गया, मूर्तियाँ वगैरह सब खुली मिल गई। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर देखोगे तो शादियाँ होती रहती है, तो मेरे ख्याल से अभी भी किसी शादी का कोई ना कोई प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई, खासकर ढाका के लोग जितने भी हैं उनकी कोई फंक्शन, कई बच्चों का नामकरण वगैरह सब ये होता रहता है। मैंने जितनी भी वीडियो देखी, कोई भी आया यहाँ पे वीडियो बनाया, तो वहाँ शादी होते हुए बहुत जरूर होती है। और देखो पंडित जी जो है तैयारी कर रहे हैं वहाँ किसी ना किसी चीज़ की, और उधर जो है शायद शादी की तैयारी होगी। इधर भी लोग आग बैठे हैं सब, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है सब किसी न किसी अपने फंक्शन की तैयारी में बैठे हैं। थोड़ी बहुत देर में यहाँ होगा, अभी थोड़ी देर पहले मंदिर बंद है तो मैं चले गया था, लेकिन अजीब सी फीलिंग होती है। अब मंदिर में दर्शन किए तो अब जाके मुझे थोड़ा सही फीलिंग हो रही है, अब जाके शांति मिली। ये लो भाई, मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं सोच रहा था यार इसका अगर एक ये खुल जाता तो बढ़िया रहता, और ये खुल ही गया। देखो अभी मैं वेट कर रहा था और ये एक तरह से जो है परमानेंट दुर्गा पंडाल बना दिया गया है, और उसके ऊपर ये देखो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उधर भी हॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें, यानी कि डेवलप हो रहा है। यार ये अच्छा हुआ दुर्गा मैया की हमें वो मिल गई।
ये मंदिर से आ गया बाहर, और अभी जो है बिल्कुल गेट के थोड़ा सा बगल में ये उधर मंदिर का गेट है जहाँ बस जा रही है। और अब जो है रोड साइड टपरी पे चल रही चाय, एक ये है केक ब्रेड जो होता है केक की तरह, और चल रही चाय। सुबह से कुछ नहीं खाया, पता नहीं क्या हुआ, जब भी मैं निकलता हूँ बाहर घूमने के लिए मुझे भूख ही नहीं लगती। और सुबह से मैं नाश्ता करा और टाइम जो है 2:30 का टाइम आई थिंक हो रहा, लेकिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो चाय का मन करा, मैंने चाय पी ली। तो साथियों इस वीडियो करते यहीं एंड, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये दिखाया था मैंने आपको यहाँ का लोकल जो है सिम कार्ड वगैरह, और जो है बाइक वगैरह, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए ट्रैवल ड्रीम, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।